अस्सलाम वालेकुम गाइस, खालिद हाशमी वसी सन से आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो कैनन 100 की सीरीज़, जिसमें आपके तकरीबन 6-7 मॉडल हैं, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसकी मार्केट प्राइस और इसकी कंडीशन के बारे में कि कितने के हैं। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लें, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, जिससे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मौजूद है कैनन का सबसे पहला मॉडल 500, फिर उसके बाद है 550, फिर उसके बाद है 600, 650, 700, 750 और 800। हम इसके बारे में आपको मार्केट रेट से और कि कितने से और कितने तक ये हो सकता है और किस कंडीशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। आइए करीब से हम आपको इनकी कंडीशन कि कितने मेगा पिक्सल है और ये कितने तक का आपको मार्केट में मिल सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 500 मॉडल, जो आपको मार्केट में इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो 15,000 से 20,000 तक चल रहे हैं। इसके साथ आपको जो है 18-55 लेंस मिलेगा, बैटरी चार्जर और एक स्ट्रैप मिलेगी इसके साथ। और इसकी जो इसका कंडीशन है ये ज़रा देखने में रफ़ है, इससे बेहतर कंडीशन में भी मार्केट में मौजूद हैं, हमारे पास भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसका अगला मॉडल है 500D। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करने से मैं भूल गया आपसे, ये है आपका 10 मेगापिक्सल कैमरा जो ये 500D है। इसके बाद जो है ये 550D है जो एक 18 मेगापिक्सल कैमरा है, और ये आपको मार्केट में तकरीबन 25-28 तक का मिलेगा, और इसमें जो है आपका कंडीशन के हिसाब से ये बहुत बेहतर कंडीशन है, तो इसके हिसाब से ये 28 तक का आपको मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास 600 मॉडल है, ये भी 18 मेगापिक्सल कैमरा है और ये वीडियो बनाता है। इससे पहले जो मॉडल मैंने आपको बताया था 500 और 550, वो भी वीडियो बनाते थे, जिसको मैं डिस्कस करना भूल गया था। अब ये भी आपका मॉडल मूवी बनाता है, वीडियो बनाता है, लेकिन इन दोनों में 550 में और 600 में आपको फ़र्क पड़ेगा LCD का। ये LCD आप अपनी रिडेबल है, इसको अपने हिसाब से कहीं भी टर्न कर सकते हैं, जैसे भी आपको सेल्फ़ी वगैरह लेनी हो, जैसे ये सेल्फ़ी ले सकते हैं आप, या किसी और भी पोजीशन में कैमरा आपको रखना हो और LCD अपने हिसाब से घुमानी हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो आता है वो 650 मॉडल है, ये दोनों 650 और 600 में तकरीबन सेम है, लेकिन 650 में जो मूवी है वो ऑटो फोकसिंग के साथ है और स्क्रीन जो है वो टच है, और वही स्क्रीन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये भी 18 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें जो चेंज आपको मिलता है ये ऑटो फोकसिंग और टच स्क्रीन। और इसके बाद है आपका 700 में और 650 में तकरीबन सब चीज़ें सेम है, इसमें भी ऑटो फोकसिंग है, टच स्क्रीन है, स्क्रीन आपकी जो है अपने हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसी सेटिंग करना चाहें स्क्रीन की कर सकते हैं। इसके बाद 700 के बाद 750 है, जो 700 के फीचर्स के साथ है सेम है, लेकिन इसमें मेगापिक्सल जो है आपका 24 हो गए, और इसमें एक चीज़ का और इन्होंने इजाफा करा, वाईफाई जो कैमरे में आपको नज़र आ रहा हो तो ये वाईफाई का इजाफा करा है, जैसे आप जो आप इजीली जो है अपने मोबाइल पे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके बाद कहीं भी आप आराम से शेयरिंग भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद है ये 800 मॉडल, जो इस वक्त लास्ट मॉडल चल रहा है मार्केट में, ये भी इनका 750 जैसे ही मॉडल है, वही सारे फंक्शन हैं, थोड़े से इन्होंने जो है इसको छोटी बॉडी कर दी इन्होंने, बाकी फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, वही वाईफाई इन्होंने दिया हुआ है, वही टच स्क्रीन है, और वही आपका जो है स्क्रीन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सब चीज़ें फंक्शन वही है।
प्राइस का मैं डिस्कस करना भूल गया, मैं एक दफ़ा फिर आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जब हमने दिखाया था वो था 500, जो इसका रेट है मार्केट में 15,000 से 20,000 तक है। उसके बाद 550 है जो आपका तकरीबन 25,000 से 28,000 तक का है। इसके बाद है 600 जो 30,000 से 35,000 तक का है। फिर ये 650 है जो 35 से लेके और 40,000 तक का है। इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है 700 जो आपको 40 से 45,000 तक का मिलेगा। और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास है 750 आपको 55 से 60,000 तक का मार्केट में मिल सकता है। और इससे आगे है 800 आपको तकरीबन, ये ज़रा नया मॉडल है तो इसकी कंडीशन के हिसाब से पैसे भी ज़्यादा फर्क आता है। जैसे आप ये 70,000 से 80,000 के दरमियान आपको इसके जो है प्राइस मिलेंगे मार्केट में। जैसी कंडीशन का पीस होगा वैसे ही आपके जो है उसके प्राइस हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो मेन डिस्कस ये है कि आप मार्केट में जो चीज़ लेने जा रहे हैं आपको उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जी गाइस, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसके प्राइस, इनकी कंडीशन और इनके साथ आपको सामान क्या मिलता है और आपको मार्केट में क्या चीज़ पूछनी चाहिए और उनसे क्या डिमांड करनी चाहिए जो जिस शॉप से आप ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको 500 दिखाया था, अगर मेरा कैमरा आपको दिखाया होगा उसने कंडीशन में और 500 जो मैंने आपको दिखाया था उसकी कंडीशन में बहुत फ़र्क है। एक तो कंडीशन का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। फिर जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो जो भी दुकानदार है, जो भी शॉप वाले हैं उससे आप पूछें, आप बैटरी ओरिजिनल मुझे दे रहे हैं, चार्जर मुझे ओरिजिनल दे रहे हैं, ये ज़रूर उससे पूछें क्योंकि उससे भी कीमत में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक चार्जर 2500 का जो ओरिजिनल है वो कॉपी चार्जर 1,000 रुपये का है, उससे कीमतों में बहुत फ़र्क आ जाता है। लाजमी आपको शॉप वाले से पूछना चाहिए कि आप कौन सा चार्जर मेरे इसके साथ दे रहे हैं या कौन सी बैटरी मुझे इसके साथ दे रहे हैं। बाकी ये सब मॉडल करंट हैं जो चल रहे हैं, आपके पास जितना बजट है उसके हिसाब से आपको देख सकते हैं कि 550 मैंने बताया कि और 800 बताया। अब आपको अपना बजट देखना है, उसके बाद मार्केट में जाके दुकानदार से उस पूछना है कि आपके इसके साथ क्या चीज़ें मुझे मिलेंगी। अलग से जो लेना पड़ेगा आपको एक ट्राईपॉड, एक बैग और एक मेमोरी कार्ड, ये आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम निकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1000 जो सीरीज़ चलती है जिसमें 1100 से लेके और 1500 तक के मॉडल थे उसको डिस्कस करा था। आज हम जो है आपको 100 की जो सीरीज़ बता रहे हैं जिसमें 500 से लेके और 800 तक का हमने डिस्कस करा है और आपको मालूम दी है रेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।